आज आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो महिलाओं में होती है और खास तौर पे गर्भवती महिलाओं में, और कैसे वो महिलाएं इस पे काबू पा सकती हैं, कौन सा ऐसा खाना है जिसकी वजह से ये बीमारी हो जाती है, आपकी कैसी लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से आप इस बीमारी से ग्रसित हो जाती हैं, उसी बारे में बात करेंगे। देख रहे हैं आप मेरे साथ जीवन आयुर्वेदा और मैं हूँ मेघा वर्मा। इस बीमारी का नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज। आसान शब्दों में कहें तो गर्भावधि मधुमेह, यानी जब आप प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान ये बीमारी होती है। ये बीमारी रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर से जुड़ी होती है और ये महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान प्रभावित कर देती है। इसे गर्भकालीन मधुमेह भी कहते हैं। हालांकि अगर आप सावधानी बरतें और खान पान में बदलाव कर लें तो आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, ताकि पेट में पल रहे बच्चे को अच्छा और सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण मिले। इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो हाई ब्लड प्रेशर, प्यास ज्यादा लगना, बार बार पेशाब आना, थकावट हो जाना, अगर आपने इस बीमारी को नजरअंदाज कर दिया तो गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर माँ के खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो वो गर्भनाल से गुजर रहे बच्चे के खून में पहुंच जाएगा और बच्चे का भी ब्लड शुगर बढ़ जाएगा और ऐसे में फिर मिसकैरेज का जोखिम बन जाएगा। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। जेस्टेशनल डायबिटीज से बचने के लिए प्रेग्नेंट महिलाओं को अपना ब्लड शुगर चेक करते रहना चाहिए, नाश्ते से पहले और नाश्ते के बाद। अपने खान पान पर पूरा ख्याल रखें, नियमित तौर पर डॉक्टर से परामर्श लें। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को अपना वजन भी नहीं बढ़ने देना चाहिए। हाँ, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस दौरान आपका थोड़ा सा वजन बढ़ता है, लेकिन अगर आपका वजन नियमित तौर पर बढ़ता ही जा रहा है तो आपके लिए ये चेतावनी है। गर्भावधि मधुमेह के लक्षण कई बार साफ तौर पर दिखते नहीं हैं, ऐसी स्थिति में आपको ब्लड टेस्ट जरूर कराना है। और अगर एक बार आपको ये मधुमेह डिटेक्ट हो जाता है, ये डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है, तो आप अपने आहार पे कंट्रोल करें। आप खुद से भी बचाव कर सकते हैं अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर। जीवन शैली और खान पान की आदतों में अगर आप बदलाव लाएंगे तो आप बच जाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है आप गर्भावस्था के दौरान जो खाना खाती हैं उसको प्रमुखता दें। जैसे आप मैदा बिल्कुल ना खाएं, ब्राउन राइस, चोकर और जई को खाने में शामिल करें। दाल, फलियां, सब्जियां ये आप ज़्यादा खाएं। दालों में और फलियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है जिसकी वजह से ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ेगा। सैलड खाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं और इस दौरान आप जितना हो सके आलू भी ना खाएं। ऐसे फलों को भी ना खाएं जिनमें शुगर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को बढ़ा देंगे। नियमित तौर पर व्यायाम करें। व्यायाम में भी ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपके और बच्चे के लिए नुकसानदायक ना हो। डॉक्टर से परामर्श लें। अपने वजन पर नियंत्रण रखें। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें। ऐसा नहीं हमने आपको ये सारी बातें बताई और आप ये करना शुरू कर दें। किसी भी चीज़ को करने या ना करने से पहले आपके विवेक का होना बेहद ज़रूरी है। अभी के लिए जीवन आयुर्वेदा में इतना ही। अच्छा लाइफस्टाइल जिए, स्वस्थ लाइफस्टाइल जिए। नमस्कार।